निशान रजा है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि वीडियोस देखने के लिए आप वक्त निकालते हैं। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं झंग की उस मशहूर जगह पर जहां की मछली खाए बगैर जो हैं वो लोग नहीं रहते हैं, बल्कि झंग के जो नवाही शहर है टोपा गोजरा से भी लोग यहां पर आकर जो है वो मछली खाते हैं। इस मछली में यहां पर जो तैयार की जाती है ऐसी क्या खास बात है, हम मौजूद हैं कलंदरी डेरा पर। कलंदरी डेरे की जो मछली है वो खासी जो है वो फेमस है और यहाँ पर जो है वो लोग दिन हो या रात यहाँ पर जो रश है वो इसी तरह जो है वो लगा रहता है। और इस मछली में ऐसी क्या ख़ास बात है, किन मसालों से तैयार होती है और कौन कौन सी मछली यहाँ पर जो है वो तैयार की जाती है, तो चलें अंदर चलते हैं और देखते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलंदरी डेरे में और यहाँ पर इस वक्त जो है वो मछली तैयार की जा रही है, फ्राई जो है वो मछली की जा रही है। और यहाँ पर जो लोग फ्राई कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से फ्राई करते हैं और इसमें ऐसी क्या खास बात है कि लोग इसे खाए बगैर नहीं रहते। साथ इस वक्त जो है वो अख्तर अब्बास मौजूद हैं और कलंदरी डेरा जो है वो इनको कितने साल से आप चला रहे हैं इनसे पूछते हैं और यहाँ की जो मछली है उसमें ऐसी क्या कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करते हैं जिससे मछली जो है वो और भी लजीज हो जाती है। जी अख्तर भाई, आप बताएं कि क्या इसमें शामिल करते हैं और कितने अरसे से आप इस काम से वाबस्ता हैं? जी कोई ऐसी खास बात नहीं है, तकरीबन हमें 20 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। पहले हमारी हाड़ पे दुकान थी तो पिछले 5 साल से हम इधर हैं। हमारा डेरा ये साफ क्या है, सबसे पहले हमने इधर बनाया है और ये जो भाई हैं बाद में आए हैं हमसे, पहले हम इधर झूले नाल के नाम से थे और उसके बाद हमने ये कलंदरी के नाम पे मोहम्मद इमरान। कौन कौन सी इकसाम की मछलियाँ आपके पास यहाँ पर तैयार की जाती है? सर हमारे पास रोहू होता है, काला रोहू, चिड़ा होता है, सोल होती है और भी दरिया, ये लम की मशहूर मछलियाँ सारियाँ तकरीबन हमारे पास होती हैं। जी जनाब, इस वक्त मछली तैयार की जा रही है और यहाँ पर जो है वो तंदूरी फिश, फ्राई फिश और जो है वो यहाँ पर जो है वो ग्रिल फिश भी यहाँ पर तैयार हो रही है। और यहाँ पर इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि दम फुक कढ़ाई मछली जो है वो तैयार की जाती है। दम पुख्त तो वैसे तो आपको पता है कि बहुत ही शौक से लोग खाते हैं, लेकिन दम पुख्त फिश कढ़ाई जो है वो खास तौर पे कलंदरी डेरे पर ही यहाँ पर जो है वो तैयार होती है। 12 इकसाम के मुख्तलिफ मसालों से जो है वो इसे तैयार किया जाता है और शहरी जो है वो इसे खाना खूब पसंद करते हैं। और इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, तो चले शहरियों से जो है वो यहाँ पर कस्टमर्स मौजूद है जो यहाँ पर शौक से जो है वो मछली खाने आते हैं और इनके क्या कहना है इनसे पूछते हैं। अच्छा आप बताएं कि मछली खाने आप आते हैं तो ऐसी क्या खास बात है कि आप यहीं पर ही आके मछली खाते हैं? पहले ना जो ये टेस्ट है ना, ये इस टेस्ट के लिए हमें हेड पे जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा सफ़र भी होता था, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। वो टेस्ट इनकी मेहरबानी है इमरान भाई की, यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं और माशाल्लाह सिटिंग प्लान बहुत अच्छा है और जो है टेस्ट ओरिजिनल है, हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और हम तकरीबन डेली दूसरे तीसरे दिन यहाँ से आके फिश खाते हैं। खाने के लिए जंग की मशहूर सौगात है दरिया चेला की, और जिसकी वजह से मतलब हम सर्दियों में हट के कुछ खाना चाह रहे होते हैं और वो एक अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत से नवाजा हुआ है जो कि फ़िश की सूरत में, तो हम इसे खाते हैं, हमें प्रोटीन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है और साथ हमें मतलब ये वार्म भी रखता है इस कोल्ड वेदर में। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो मछली खाने के लिए जो है वो शहरी रुख कर रहे हैं कलंदरी डेरे का और खूब मज़े ले लेकर जो है वो मछली खा रहे हैं। दोस्तों के हमरा जो है वो रुख कर रहे हैं, कुछ लोग फैमिलीज़ के लिए जो है वो पार्सल करवा के लेकर जा रहे हैं और शहरियों का कहना है कि दोस्तों के हमरा खाने का अपना ही मज़ा है, गपशप ही हो जाती है और साथ साथ जो है वो मछली खाकर खूब जो है वो लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। कुछ शहरी जो हैं वो यहाँ पर तंदूरी फ़िश खा रहे हैं, कुछ फ्राई फ़िश खा रहे हैं और कुछ हैं वो ग्रिल फिश खाकर खूब जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। मौसम जो है वो सर्द है और सर्दी के मौसम में जो है वो शहरियों का कहना है कि मछली जो है
वो बहुत बड़ी नेमत है और इसे खाने से जो है वो सर्दी की शिद्दत का एहसास भी कम हो जाता है। जी नाज़रीन, अली रज़ा भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कितने मन मछली जो है वो यहाँ पर फरोख्त होती है। अली रज़ा भाई बताएं कि कितने मन फरोख्त होती है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोजाना की लागत कम अज कम 7 से 8 मन होती है जी, शुक्र खुदा। हमारे साथ अली भाई मौजूद थे, इनका कहना है कि रोजाना 7 से 8 मन जो मछली है वो फरोख्त होती है, जिसमें रहू है, डबरा है, माशेर है और चिड़ा मछली जो है वो यहाँ पर फरोख्त होती है। तो नाज़रीन, हमने आपको आज दिखाया कि सबसे ज्यादा मछली जो है वो कहाँ की मशहूर है और किस तरह से यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में रोजाना रुख करते हैं और अपनी मनपसंद जो है वो मछली खाकर खूब लुत्फानंदोज होते हैं। कलंदरी डेरा है और यहाँ कलंदरी डेरे की मछली जो है वो शहरी खाए बगैर जो है वो नहीं रहते हैं। तो नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको बहुत सुन सकें। अल्लाह हाफिज़।